तो कहानी कुछ ऐसी है, साल 2020 पैंडेमिक से कुछ महीने बाद जब हम सब बाहर निकलने लगे थे, लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुआ था। और हाँ, यही समय थी जब मैंने अपनी हार्ले बाइक को बेच दिया था। और वैसे मुझे सीरियसली तब कोई सुपर बाइक लेने की और इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन संडे की शाम ये जो बंदा भी मेरे सामने से वेव करके फ्लाई बाई मार के निकल गई, भाई मेरे अंदर फिर से वो ना सुपर बाइक लेने की किरकिरा जगा दिया। और इंडिया में हर किसी की तरह मुझे भी सुपर बाइक मतलब हायाबुसा ही लेना था। लेकिन ठीक इसी समय सेकेंड जनरेशन हायाबुसा इंडिया में ऑफिशियली बिकना बंद हो गया था। कुछ महीने गूगल रिसर्च के बाद आई स्टिल रिमेंबर द डेट 28 जैन 2021, सुजुकी ने अपनी थर्ड जेन हायाबुसा इंटरनेशनली अनवील किया था। एंड विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट आई हैव डिसाइडेड मुझे सुजुकी हायाबुसा ही लेना है। तो अभी तक याद है मुझे अप्रैल 2021 को थर्ड जनरेशन हायाबुसा इंडिया में बुकिंग्स ओपन हुआ था, और मुझे कुछ इनसाइडर सोर्स से मुझे पता चला था, और मैं लकी इनफ था कि फर्स्ट जो 100 गाड़ी का बुकिंग्स ओपन हुआ था सुजुकी की अपने पोर्टल में, तो आई वाज लकी इनफ। मैं शाम को 7:30-8 बजे तक इतना डिटेल में बता पा रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी तक वो एक्सपीरियंस, खरीदने का एक्सपीरियंस भूसा का मुझे मतलब ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो शाम को मैंने वो शॉप कर दिया। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 साल बाद बाइक खरीदने की आई डिसाइडेड टू अपलोड ब्लॉग्स इन द यूट्यूब चैनल ऑफ माइन। एंड हाई पीपल, आई एम सुदीप एंड यू आर ऑल वेलकम टू माई चैनल रेविंग निर्वाणा। एंड इतने साल कुछ पर्सनल और काम के सिलसिले में आई कुडंट फोकस कि वीडियोज अपलोड करूँ, तो ये 2 साल जो बीत गई हैं हायाबुसा के साथ, एंड ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 5,900 किलोमीटर चल चुका है ये गाड़ी। तो काफ़ी सारा गुड एंड बैड मोमेंट्स रही है बाइक के साथ, बहुत सारा छोटे मोटे छोटे बड़े ट्रिप्स रहा है, किया हूँ मैंने, और काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ भी है जो मैं अच्छी तरह से दिखा सकता था इन माय चैनल, मैं व्लॉग कर सकता था, बट समहाउ नहीं कर सका ड्यू टू वर्क एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। राइट नाउ आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू, मेकिंग वीडियोस एंड एडिटिंग देम, अपलोडिंग देम इन द यूट्यूब। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, और मुझे जैसे कि पहले वीडियो में मैं कहा था कि अच्छी कंटेंट लेके आऊँगा, कुछ अच्छी एडिटिंग्स लेके आऊँगा। टाइटल से समझ में आ रहा है ये ब्लॉग किसके बारे में है, द ओनरशिप रिव्यू ऑफ माय हायाबुसा। मैं ये 2 साल में क्या क्या अच्छी मोमेंट्स बिताया हूँ बाइक के साथ, क्या ख़राब मोमेंट्स है, या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ऑफ ओनिंग अ सुपर बाइक लाइक हायाबुसा, ये सब सारी चीज़ें मुझे बोलना था। तो ये 2 साल में बहुत सारी मोमेंट्स बीता है मेरे इस बाइक के साथ, एंड आई कैन श्योरली एडमिट कि ये बाइक ना आपको एक अलग पहचान दिलाता है, दैट आई कैन सीरियसली से। जहाँ भी जाता हूँ लोग देखते हैं, सिग्नल में खड़ा होता हूँ लोग पूछते हैं, और इंडिया में ना एक चीज़ है कि हर सुपर बाइक को आदमी या सब कोई मतलब हायाबुसा कहते हैं, तो दिस हैज़ अ रीज़न बिकॉज इट इज़ सो मैसिव इन साइज़,
सो बिग इन साइज और इसके परफॉर्मेंस या कुछ भी आप कह सकते हैं कि इतना कंफर्टेबल है और सारी चीज़ें मिला के एक सुपर पैकेज बन जाता है ये बाइक। एंड जैसे मैं कह रहा था, हायाबुसा हैज़ कम्प्लीटली चेंज माय लाइफ। मतलब शुरू से जब मैं लिया हूँ और इसको जब मैं चलाता हूँ ना, अलग से एक फीलिंग होता है विच आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और इसकी परफॉर्मेंस, इंजन के बारे में बता रहा हूँ, पहले से ना सेकंड जनरेशन बूसा भी मैंने चलाया है एंड सेकंड जनरेशन बूसा की हैंडल एंगल थोड़ी सी राइडर से पीछे है, मतलब थोड़ी सी अग्रेसिव है। और ये क्या किया, इसमें ये हैंडल थोड़ा सा और राइडर के सामने लेके चले आया और इसमें क्या हो गया, थोड़ा वो बैक और शोल्डर्स में प्रेशर कम जाता है और राइडिंग कंफर्टेबल हो जाती है। मुझे तो शुरू में दिक्कत होती थी, आई वाज नॉट यूज्ड टू राइडिंग इन दिस पोस्चर एंड जब हैबिट हो गया है अभी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई वैसा प्रॉब्लम होती नहीं है। इंजन के बारे में यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्यूनिंग हुआ है पहले से, मतलब द इंजन इज सेम, खाली लो एंड और मिड रेंज पहले से और अग्रेसिव हुआ है और थोड़ा फास्ट हुआ है, लेकिन टॉप एंड जाके थोड़ा सा लूज हो जाता है परफॉर्मेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द सस्पेंशन, इफ़ आई टॉक अबाउट सस्पेंशन, इज एब्सोल्युटली लाइक अ सोफ़ा। मतलब इतनी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक आप चला रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बैठे कैसे हैं या कौन सी पोस्चर में बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी छोटी पॉट होल समझ में नहीं आता है, इतना सुपर सस्पेंशन ट्यूनअप है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फॉरेन पीपल यूजिंग हायाबुसा एज अ टोरिंग मशीन, ट्रैवलिंग माइल्स एंड माइल्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो ये बाइक ऐसी है, सुजुकी ने जानबूझकर इस सेगमेंट को वैसे ही रखा है। नोबडी, अभी करेंटली ये सेगमेंट में कोई नहीं है। इवन कावासाकी हैज़ H2, बट H2 इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट। तो जानबूझ के सुजुकी ने इस बाइक की सारी चीज़ें, सारी पैरामीटर, सस्पेंशन, ट्रैवल्स, आपका इंजन परफॉर्मेंस, आपका सस्पेंशन आई हैव ऑलरेडी सेड एंड एवरीथिंग, आई मीन कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर, तो इसी वजह से रखा है कि आप इसे लॉन्ग टूर भी कर सकते हैं एंड इन रेगुलर स्ट्रीट यूज़ भी आप कर सकते हैं, इन योर डेली ऑफिस कम्यूट, कुछ भी। मतलब इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। एक बड़ा मेजर इशू था सेकंड जनरेशन का, ब्रेक लाइन में बहुत वीक था, इतना ख़तरनाक था कि बहुत सारे राइडर्स को डरा देता था, ब्रेक लाइन एकदम सही नहीं था। तो इस वाला जनरेशन में वो सारी प्रॉब्लम अभी दूर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया है, जैसा व्हीली कंट्रोल हो गया एंड पावर व्हीली कंट्रोल हो गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया है, तो ये सारी चीज़ मिला के एक कंप्लीट पैकेज बना दिया है। क्रूज कंट्रोल, रही बात इसकी फाइनेंस अरेंजमेंट की, तो मैं 2020 कोविड के बाद जब अपना हार्ले डेविडसन IN83 जब बेच दिया था, तो उसमें से काफ़ी फंड आया था मुझे एंड तो ये बाइक ख़रीदा हुआ था 2021 जुलाई में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उसके बाद से, मतलब फ्रॉम से जून 2020 से जुलाई 2021 से, एक साल में मैं काफ़ी अच्छा फंड अरेंज कर लिया था या सेविंग कर रहा था, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड कुछ अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से टाइम निकल के कुछ अच्छे कंटेंट्स का ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो या अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, यू कैन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। यू नो, फ्यूचर व्लॉग्स में वो सब इम्प्रोवाइज कर सकूँ एंड होपफुली ये वीडियो वाला सिलसिला, अपलोडिंग वाला सिलसिला रेगुलर रहे। एंड इसमें ना सच्ची में, मतलब अभी दूसरे एक इंसान की तरह सोचना पड़ रहा है,
और कुछ ना कुछ मतलब क्या कंटेंट लेके आऊँ, क्या सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो सोचना पड़ रहा है। एंड बहुत जल्द अब इस नेक्स्ट इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है वो बहुत जल्द आएगी, बिकॉज वो एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो है। क्या अनबॉक्सिंग होने वाला है अगर कोई गेस करके कमेंट सेक्शन में बताता है तो आई विल श्योरली ऑफर देम अ गिव अवे। अरे बाप रे, क्यों इतना भीड़ है आज। यहाँ मतलब अच्छा हुआ, रिएक्शंस बहुत अच्छा मिलेगा, देख रहे हैं। पूसा की अलग एक पहचान है, अलग रिएक्शंस मिलती है। ये जगह है इको पार्क, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी संडेज को भी हम लोग आ जाते हैं। एंड खाली खाली सा था, पता नहीं आज इतने भाई लोग कैसे आ गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। और इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेसरीज, देर आर ओनली टू एक्सेसरीज दैट आई हैव इंस्टॉल्ड इन द बाइक। दिस इज फ्रेम स्लाइडर विच आई हैव सोर्स्ड फ्रॉम दिल्ली, और ये एक्रापोविच की 421 एग्जॉस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नो अदर थिंग्स विच आई हैव इंस्टॉल्ड, आई केप्ट इट कम्प्लीटली स्टॉक। और एंड सी द गैदरिंग मैन, आई कांट डू द व्लॉग हियर, जस्ट लुक एट द गैदरिंग, आई एम ऑलरेडी अ स्टार राइट नाउ, जस्ट लुक एट द गैदरिंग। दिस बाइक हैज इमेंस फैन फॉलोइंग, आई मीन यू कैन सी हाउ मच द क्राउड गेट्स पुल्ड। एक अलग से एक रिएक्शन वीडियो भी बन जाता है। साहब थर्ड जनरेशन के बारे में यूट्यूब में कहते हैं ना कि थर्ड जनरेशन में कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आइधर झूठ बोलते हैं या तो कभी सच में थर्ड जनरेशन ठीक से यूज़ नहीं किया है। Beauty this machine is. Thank you so much all of you for adding me as a small part of in your life, and I'll be forever indebted and grateful. आप मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले बार।